नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों के उभरने से पहले आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। राज्य सरकार करेगी सरकारी जमीनों की भी जमाबंदी। बिहार में गर्मी की छुट्टी में चलेगी बच्चों की क्लास। निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता को लेकर 300 बसों को किया रवाना। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद का त्योहार। पवन सिंह ने बिहार के सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एसी की खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ख्याल। आईपीएल 2024 में आज होगा मुंबई और बेंगलोर के बीच मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा भर्ती निकाली गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रखा है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। ये भर्ती ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 30 पद और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 11 पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करके ईमेल apprentice.acem@gov.in पर जाकर भेज सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट https://www.drdo.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। राज्य सरकार करेगी सरकारी जमीनों की भी जमाबंदी। राज्य सरकार अपनी सभी तरह की जमीनों का समुचित रिकॉर्ड रखेगी। इसके लिए सभी तरह की सरकारी जमीनों की जमाबंदी कराने की योजना है। इससे संबंधित नियम को अंतिम रूप देने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगा हुआ है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की कहां कितनी जमीन है और वो किस स्थिति में है, इसका पूरा विवरण यानी कि लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। वर्तमान में सरकारी जमीन की अगला जमाबंदी का कोई प्रावधान बिहार में नहीं है। किसी योजना या अन्य कार्यों के लिए जमीन का हस्तांतरण संबंधित एजेंसी या लोगों को कर दिया जाता है। अब हस्तांतरण के साथ ही जमाबंदी भी कर दी जाएगी। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद का त्योहार। राजधानी पटना समेत पूरे देश में बुधवार को ईद के चांद का दीदार हुआ है, इसलिए आज पूरा देश धूमधाम से ईद का त्योहार मना रहा है। आपको बता दें कि ईद का त्योहार मोहब्बत का पैगाम देता है, साथ ही आपस में भाईचारगी और मिलन का संदेश देता है। आपको मालूम होगा कि ईद का पर्व मुसलमान भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। 30 दिन के रोजे के बाद आने वाला ये त्यौहार सभी के लिए उमंग और अमन के साथ आता है। ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जानते हैं। ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोजा पूरा करने पर मनाई जाने वाली खुशी का त्यौहार। आज के दिन लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, सेवैया खाते हैं और ईद की बधाइयां देते हैं। बिहार में गर्मी की छुट्टी में चलेगी बच्चों की क्लास। बिहार में गर्मी की छुट्टी में बच्चों की क्लास संचालित होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को गर्मियों की छुट्टी के दौरान स्कूल आना होगा। इस दौरान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए स्पेशल क्लास चलाया जाएगा। सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए इन क्लासेस को संचालित किया जाएगा। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के नामांकन का काम करेंगे। मालूम हो कि राज्य में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता को लेकर 300 बसों को किया रवाना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत कम होने के कारण इसे बढ़ाने का चुनाव आयोग की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 300 बसों को रवाना किया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने मतदाता जागरूकता के लिए संदेश से भरे परिवहन विभाग के बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी पटना शीर्षत कपिल अशोक और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार में ड्रोन से हो रही नक्सलियों की खोज। बिहार में ड्रोन से नक्सलियों की खोज की जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस के साथ ही SSB के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला पुलिस को 2 हाई रेजोल्यूशन ड्रोन दिया गया है। ड्रोन की मदद से जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित जिलों में ड्रोन से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ी के साथ ही जंगली क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसी की खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ख्याल। एसी की खरीदारी से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है।
मालूम हो कि अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी ने परेशान कर दिया है। वहीं एसी की खरीदारी से पहले 5 प्रमुख बातों का ख्याल रखना जरूरी है। एसी की खरीदारी करते समय इसकी कूलिंग कैपेसिटी को जरूर देखना चाहिए, साथ ही इसके आकार को भी देखना जरूरी है। अपने कमरे के आकार के अनुसार ही एसी खरीदनी चाहिए। वहीं 5-स्टार एसी खरीदने पर अच्छा होता है क्योंकि ये कमरे को जल्दी ठंडा करता है। छोटे कमरे में विंडो एसी लेने से ये कमरे को जल्दी ठंडा कर देता है। एसी की खरीदारी करते वक्त इसकी कीमत का भी खास ख्याल रखना चाहिए। एसी की खरीदारी करने से पहले इसके दाम को पता कर ले। गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली से बिहार आना हुआ आसान। गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली से बिहार आना अब काफी आसान हो चुका है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पटना से चलने वाली ट्रेन संपूर्ण क्रांति और गया से चलने वाली ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस की ये क्लोन ट्रेन होगी। इन दोनों ही ट्रेन का परिचालन इसी महीने किया जाएगा। 15 से 21 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रतिदिन इसका परिचालन किया जाएगा। रेलवे के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के पटना से दिल्ली के आनंद विहार के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस से स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नंदलाल बोस के बारे में। ये भारत के आधुनिक कलाकारों में सबसे अग्रणी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर वर्ष 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1905 से वर्ष 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवंद्रीनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली, फिर इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया। नंदलाल बोस वर्ष 1922 से 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 16 अप्रैल वर्ष 1966 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सीमावर्ती इलाकों में सख्ती से होगी वाहनों की चेकिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस भी एक्शन मोड में है। वहीं अब सीमावर्ती इलाके में गाड़ियों की जांच को और तेज करने का आदेश दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से सीमावर्ती इलाकों में गाड़ियों की जांच तेज करने से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जांच के दौरान वाहन के मालिक के पास से कोई आपत्तिजनक सामान मिलता है तो वाहन के मालिक पर केस किया जाएगा। बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की जांच करने के लिए अधिकारियों को पुलिस का सहयोग लेने की बात कही गई। पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई की गई है। एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। प्रतिज्ञा नाम के संस्था की ओर से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटना के पास बीच नाथुपुरा और सारिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इस पर काम चल रहा है। यातायात चालू होने के लिए डाइवर्जन के साथ ही लिंक रोड को बनाया जाएगा। गाड़ी की स्क्रैपिंग पॉलिसी करवाने की ये है फायदे। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है तो आप स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कई फायदे उठा सकते हैं। इसमें आपको नई गाड़ी खरीदने पर शोरूम से 4 से 6% तक की छूट मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन माफ हो सकता है। रोड टैक्स में रियायत भी मिल सकती है। देश भर में स्क्रैपर्स को इस काम के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है। 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप के लिए ऑथराइज्ड स्क्रैपर से संपर्क करना होगा। संपर्क करने के लिए आप https://vscrap.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के इन जिलों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर जारी किया अलर्ट। बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। आज प्रदेश में रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में एक या दो जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में एक या दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात या 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई। पटना के तारा मंडल में पहले दिन उमड़ी लोगों की भीड़। पटना में नवनिर्मित तारा मंडल को देखने के लिए पहले दिन लोगों की भीड़ रही। दर्शकों ने दो फिल्मों का आनंद उठाया। बीते दिन 800 में दो फिल्म हिंदी और अंग्रेजी में दिखाई गई है। शो देखने के लिए दर्शकों की लंबी कतार रही। वहीं लोगों ने तारा मंडल के शो की खूब तारीफ की। पहले दिन दो फिल्म वीआर स्टार्स और स्ट्राइड मिशन एक्सट्रीम में 800 का आयोजन हुआ। दर्शकों को 3D स्क्रीन और अमेरिकन प्रोजेक्टर के जरिए सौर मंडल पर आधारित डिजिटल फिल्में दिखाई गई है। टिकट की कीमत के बारे में बता दें कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए टिकट की कीमत ₹50 2D शो के लिए है। वहीं 3D शो के लिए ₹60 है। 15 साल से अधिक के व्यक्ति के लिए टिकट की कीमत ₹80 और ₹100 निर्धारित की गई है।
अवैध शराब तस्करी मामले में मधुबनी जिले से 3 तस्कर गिरफ्तार। शराबबंदी के बाद भी प्रदेश में हो रही अवैध शराब तस्करी के मामले में एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां जयनगर थाना क्षेत्र के खैर टोला और कमला बारी में 1630 लीटर शराब पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इस मामले की खबर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी के तहत की कार्रवाई की। इस दौरान 3 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बरामद किए गए शराब की कीमत 1.60 लाख रुपए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पवन सिंह ने बिहार के सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, इसके बाद अभिनेता ने इस टिकट को लौटा दिया। वहीं अब पवन सिंह ने यह ऐलान किया है कि वो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। एक्टर आगे बताते हैं कि उन्होंने निश्चय किया था कि वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ेंगे। इस तरह सेक्टर ने काराकाट की सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर उम्मीदवार हैं। बिहार के गया जिले में अमित शाह ने बीजेपी के 400 पार की भरी हुंकार। इन दिनों बिहार में बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता चुनावी रैली में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। बीते ही दिन गया में अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की साल महान जनता ने साल 2014 में 40 में से 31 सीटें दिया, उसके बाद 2019 में 40 में से 39 सीटें आई, लेकिन आप लोगों से इस बार प्रार्थना है कि पूरी की पूरी झोली इस बार भर दीजिए, एक बार मोदी जी को 400 पार करवा दीजिए। मेरा वादा है कि पीएम मोदी भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, जिससे भारत विश्व की तीसरी मजबूत आर्थिक व्यवस्था बन सके। बिहार में कांग्रेस ने जारी किया गारंटी कार्ड। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गारंटी कार्ड को जारी किया है। सदाकत आश्रम के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कांग्रेस के गारंटी कार्ड को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से अपने वोटरों को लिखित गारंटी देने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की होने की बात कही गई है। साथ ही प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को किसान न्याय के तहत कर्ज माफ करने की कांग्रेस ने गारंटी दी है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को दिन 400 रुपए की मजदूरी देने का कांग्रेस ने वादा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान मनीष कश्यप को महिलाओं ने दूध से नहलाया। चुनाव प्रचार के दौरान मनीष कश्यप को महिलाओं ने दूध से नहलाया है। इसके बाद मनीष कश्यप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जाता है कि मनीष कश्यप को कई लोग पसंद करते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा मनीष कश्यप के वीडियो को भी खूब शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का ये वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के रतनपुर गांव का है। इस वीडियो में कुछ लोग मनीष कश्यप के समर्थन में नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मनीष कश्यप सभी का हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा वो टेस्ट में हुए फेल। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें वो मुकेश अंबानी के साथ मछली खाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस वीडियो को लेकर भाजपा के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि पोस्ट में लिखा है कि ये वीडियो 8 तारीख का है, दुर्गा पूजा से पहले का ये वीडियो है। भाजपा के लोग आईक्यू टेस्ट में फेल हो गए हैं और हम अपनी सोच में सही साबित हुए हैं। मुकेश सहनी ने वीडियो में मिर्ची लगने का जिक्र किया है, मिर्ची लग गई है। भाजपा के लोगों को हर चीज में धर्म नजर आता है। इधर औरंगाबाद में बीते दिन तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता ने आडवाणी का रथ रोका था और वो नरेंद्र मोदी का रथ रोकेंगे। आईपीएल 2024 में आज होगा मुंबई और बैंगलोर के बीच मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज मुंबई और बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले को काफी अहम माना जा रहा है। मुंबई इंडियंस की टक्कर अपने ही मैदान में रॉयल चैलेंजर्स की टीम में से होने वाली है। फिलहाल इस मुकाबले में दोनों ही टीम बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेगी। आरसीबी की टीम 5 में से 4 मैच हार चुकी है। अंक तालिका में वो मुंबई की टीम से 1 पायदान नीचे है। दूसरी ओर मुंबई की टीम 4 में से 1 मैच जीतकर 9वें पायदान पर है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम का मुकाबला आज वानखेड़े स्टेडियम में फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होने वाला है। आज के इस मुकाबले में आपके मुताबिक किसका पलड़ा भारी होने वाला है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1827 में भारत के महान विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2011 में भारतीय अमेरिकी लेखिका झुंपा लाहिरी का उनकी पहली कृति इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1887 में जामिनी रॉय का जन्म हुआ था, ये एक भारतीय चित्रकार थे। आज के दिन वर्ष 1937 में रामानाथन कृष्णन का जन्म हुआ था, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। जाने अपने फोन का ये सीक्रेट कोड। आज के समय में लगभग सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे स्मार्टफोन में ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। आज हम स्मार्टफोन में एक ऐसे ही सीक्रेट कोड के बारे में आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आता है IMEI नंबर। इसे चेक करने के लिए आप #06# डायल करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोन में *##225 ## को डायल करके अपने फोन का कैलेंडर स्टोरेज इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। MBBS की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, 112 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। MBBS का डॉक्टर बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने देश भर में 112 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 800 के पार हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में प्रकाशित हुए खबर के मुताबिक जिन नए 112 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है उनमें से 22 उत्तर प्रदेश में और एक दिल्ली में है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों को स्थानीय जिला अस्पतालों से लिंक किया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली है। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ है। रिकॉर्ड हाई पर शेयर बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स 354 अंक तक नीचे उछल गया है, जबकि निफ्टी 22,735 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 75,038 पर बंद हो गया। कारोबार के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड, BPCL, हिरल्को, कोटक महिंद्रा टॉप गेनर की सूची में शामिल हो गया है। दूसरी ओर HDFC बैंक, सिप्ला, मारुति सुजुकी, दिवेश लैब्स में गिरावट देखने को मिली है। ऑटो और फार्मा के अलावे सभी सेक्टोरल इंडेक्स ने हरे निशान के साथ कारोबार किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल, ऑप्शन डी है 9 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए OpenAI, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है ChatGPT, ऑप्शन डी IIT मद्रास। इसका सही उत्तर है OpenAI। हाल ही में वित्तीय समूह पेंटो मैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2035। इसका सही उत्तर है 2030। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1929। इसका सही उत्तर 1927। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा राज्य अग्रणी था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुना शर्मा, सुगंधा कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, राजेश मांझी, सुरेश ओरम, कृष्णा प्रसाद, लक्ष्मण कुमार, शोभानंद ठाकुर, कुंदन कुमार, पंकज कुमार दास, मदन कुमार, रानी कुमारी, विकास दास, बबलू कुमार, सतवीर कुमार, संजय कुमार शर्मा, रिजवान आलम, ब्रिंद प्रसाद रजक। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, इस बार गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ घूमने के प्लानिंग बना रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।